क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक शंकु का आयतन कितना है, 73,920, उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का व्यास आपसे पूछा गया है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक शंकु है और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 160 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका 160 है, और तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h, कितना है, 73920, तो ये 3 × 7/2 में ये कितना हो जाएगा आपका, 22, और एज कितना है आपका, 160, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये 9 × 7 = 16 और 3 × 2 = 5, यानी कि 11 से कट जाएगा, 11 × 2 = 22 और 11 × 6 = 66, 13 में से 6 = 7 और 11 × 7 = 77, 2 × 11 = 22, 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, ये 4 से कट जाना चाहिए, 16 से भी कट जाएगा, 16 × 2 = 32, 16 × 1 = 16, तो आर स्क्वायर कितना आ गया आपका, 21 × 7, 21 × 7 यही आया, नहीं 21 × 7 × 3 आया, ठीक है, तो मैं 21 को तोड़ सकता हूँ 7 × 3 में, तो यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 3, यानी कि 21, हमें पूछा है इसका व्यास, यानी कि बेस का व्यास कितना होगा, तो इसका 2 गुना होता है, यानी कि 42, ऑप्शन नंबर सी।